हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चित्रा रामकृष्णा के बारे में। चित्रा रामकृष्णा भारत के शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की MD और CEO रह चुकी है। हाल ही में 2016 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इन पर घोटाले का आरोप लगा हुआ था। 2016 में लोकेशन और एल्क्रो ट्रेडिंग घोटाले में इनकी भूमिका और सुब्रमण्यम आनंद की नियुक्ति में पद के दुरुपयोग के लिए NSE से इन्हें बाहर कर दिया गया था। NSE ने उनके ऊपर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। उनका पूरा नाम चित्रा रामकृष्णा है। उनका जन्म 1963 में मुंबई में हुआ था। इनका शुरुआती जीवन मुंबई में व्यतीत हुआ था। इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा मुंबई से प्राप्त की। इन्होंने प्राइवेट स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की तथा बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया। इन्होंने BCOM और MCA की डिग्री प्राप्त की है। बात करें उनके करियर के बारे में तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चार्टर्ड अकाउंट के रूप में की थी। 1985 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI में परियोजक वित्त विभाग में शामिल हुई। इसके साथ ही उन्होंने 2 सालों तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड SEBI जैसे संस्था में काम किया। उनके चित्रा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की 1990 में स्थापना करने वाली टीम में भी वह शामिल थी और यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से 1991 से जुड़ी। यह 1987 में प्रतिभूति बाजार नियामक SEBI के लिए कानूनी ढांचे का मसौदा तैयार करने वाली टीम में भी उनका हिस्सा था। अमेरिका की पत्रिका फॉर्च्यून के अक्टूबर 2023 में जारी किए गए एक रिपोर्ट में विश्व की 50 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में चित्रा कृष्णा को 17वें स्थान पर रखा गया था। वहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला CEO बनी। इन्होंने लगभग 20 साल तक NSE में अपनी सेवाएं दी। बात करते हैं उनसे जुड़े विवादों के बारे में। वर्ष 2022 में खोजबीन के दौरान यह पता लगाया गया कि चित्रा 20 वर्षों से हिमालय में रहने वाले गुमनाम बाबा, जो बिना फेस के कहीं भी आध्यात्मिक से प्रकट हो जाते हैं, इनके चित्रा के सलाह लेकर बहुत सारे बड़े कार्य किए और चित्रा ने सारे निर्णयों के बारे में उस बाबा को बताया और उनसे विचार विमर्श करने के बाद बड़े बड़े फैसले लिए और सारी व्यावसायिक जानकारियां भी उस बाबा को लीक कर दी थी, जिसके उन पर घोटाले का आरोप लगा था। वह इस बाबा से ईमेल के जरिए मैसेज भेजकर बातें किया करती थी और बाबा का प्रभाव चित्रा पर इस प्रकार पड़ा कि उन्होंने सुब्रमण्यन नामक व्यक्ति को बड़े पद पर बैठा दिया और चित्रा उन्हीं बाबा की बात मानकर स्टॉक एक्सचेंज में कार्य किया करती थी। 2016 में लोकेशन और एलिग्रेंट घोटाले में इनकी भूमिका और सुब्रमण्यम आनंद की नियुक्ति में पद के दुरुपयोग के लिए NSE से उन्हें बाहर कर दिया गया। NSE ने उनके ऊपर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस आरोप से चलते उन्हें 5 साल के लिए किसी कंपनी या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री या किसी भी अन्य बाजार के साथ जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन्हें अज्ञात हिमालय योगी के निर्देशन पर कार्य करने वाली महिला के रूप में दोषी करार दिया गया। इन्हीं योगी के कहने पर उन्होंने 15 साल तनख्वाह पाने वाले सुब्रमण्यम आनंद को 1.68 करोड़ का पैकेज दिया था। तो ये थी जानकारी चित्रा रामकृष्णा के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।